नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब भी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए लंकन प्रीमियर लीग का जो आज का मैच है, जहां पे एक तरफ होगी कोलंबो स्टार्स की टीम, बाबर आजम की टीम, और दूसरी तरफ होगी डेम्बुला ऑरा की टीम। 3 बजे मैच खेला जाएगा। देखिए कल के दोनों मैचेस लंकन प्रीमियर लीग के अल्ट्रा क्लीन स्वीप रहे हैं। आफ्टरनून का गेम, मैंने आपको कल बोला था दहानी अगर उनकी टीम पहले बॉलिंग नहीं करती है फ्लॉप हो सकते हैं। मैंने आपको चांदीमल का बोला था, चांदीमल अच्छा कर सकता है। कुशल परेरा का मैंने आपको बोला था, कुशल परेरा फ्लॉप हो सकता है। मैंने आपको ऑप्शंस दिए थे क्योंकि जिस मैच का मैं वीडियो बनाता हूं उस मैच की पूरी टीम आपको वहां पे नहीं मिलेगी, आपको वीडियो के अकॉर्डिंग वहां पे है वो 2 प्लेयर्स लेने पड़ते हैं। तो एक ही चीज बोलूंगा, आज भी अगर आए हो तो वीडियो देख के जाना, एक एक चीज समझना, इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, तो विदाउट एनी सेकंड स्किप के पूरा वीडियो देखिएगा। और यार वीडियो को लाइक कर दो, सारे लोग आपका लाइक सपोर्ट बहुत मोटिवेट करता है, तो सारे लोग वीडियो को अभी से लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, क्या बाबर आजम आज जीतेगा, सॉरी बाबर आजम जीतेंगे या फिर कुशल मेंडेस, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। आगे बढ़े उससे पहले बता दूं, देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको जुड़ जाना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जुड़ने का आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना चाहिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करो, जुड़ जाओ। यहाँ पे आपको हर मैच की टीम मिलती है फ्री में, समझ गए इस चीज को। बाकी अगर हम लोग वेन्यू को लेके बात करते हैं, पैलेकले इंटरनेशनल स्टेडियम पे मैच खेला जाएगा। 2-3 मैचेस ऑलरेडी यहाँ पे खेले जा चुके हैं। वेन्यू कैसा है तो देखिए, ओवरऑल जहां तक मुझे लग रहा है ये एक बैलेंस्ड विकेट है। आपने लास्ट के मैचेस देखे जहां पे आपको एवरेज रन भी दिखे, आपको लो स्कोरिंग भी दिखे, तो एवरेज विकेट है, बैलेंस्ड विकेट है, पेसर्स हो, स्पिनर्स हो, बैट्समैन हो, जिसमें ज्यादा आपको थोड़ा सा एबिलिटी लगे वो कहीं ना कहीं गेंदबाज हो, चाहे पेसर्स हो, चाहे स्पिनर्स हो, चाहे बैट्समैन हो, उसको थोड़ा ज्यादा फोकस करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिल सकता है। मैचेस भी आपको दिखा देता हूं। देखिए ये कल ही का मैच है, जीटी ने 117 किए, जफना ने चेस कर लिया, पेसर्स को 3, स्पिनर्स को 8 विकेट मिली। ये भी कल का मैच है, यहां पे आप देखोगे डम्बुला ने 156 किए और बीएलके ने 160 कर दिए थे 3 विकेट खोके, पेसर्स को 5 मिली, स्पिनर्स को 3। बाकी ये मैचेस देखोगे तो ये मैचेस 2022 के, तो आपको क्या लगा इस पे, देखिए लो स्कोरिंग भी हुआ, एवरेज भी हुआ, तो बैलेंस्ड विकेट है। ओवरऑल टोटली ये है, वो डिपेंड करता है कि किसी भी प्लेयर्स की जो एबिलिटी है वो शो किस तरीके से कर पाता है, वैसी विकेट आपको यहां पे देखने को मिलेगी। बाकी आप देखोगे 19 मैच खेले गए, 11 बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं, 8 चेजिंग ने, स्कोरिंग देखोगे तो हर टाइप की स्कोरिंग दिखी है, 100-150 से नीचे की स्कोरिंग में कल 6 था, आज 7 हो गया क्योंकि कल 150 से नीचे का स्कोर बना, 162 का एवरेज स्कोर है, बैलेंस्ड पिच आप इसको मान के चल सकते हो। हेड टू हेड में क्या होता है, देखिए 7 खेले गए, डम्बुला ने 4 जीते और कोलंबो स्टार्स ने 3 जीते, तो लगभग इक्वल सा रहा है, दोनों टीमें बढ़िया है। ये 2022 का मैच यहाँ पे है जो कि कोलंबो जीत गया, यहां पे देखोगे तो यहां पे भी कोलंबो, 2022 में दोनों ही मैचेस है जो कि कोलंबो ने विन किए थे। यहां पे नूर अहमद फ्लोप था, मधुसन फ्लोप था, डिक्वेला फ्लोप था, वेंडर्स राय को यहाँ पे 2 विकेट थे। यहां देखोगे डिक्वेला ने 62 किए, वंडिश राय फ्लोप था, नूर अहमद यहां पे फ्लोप था, ये वो प्लेयर है जो कि इन दोनों मैचेस में खेल रहे थे, तो वो प्लेयर है जहां पे आपको एक मैच यहां पे एन डिक्वेले का थोड़ा सा बैटर दिखेगा। 6 ओवर के पावर प्ले में क्या होता है, तो भाई मैंने आपको बता दी थी, आपको जो वीक टीम होगी कुछ ऐसे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, ये मैंने आपको कल भी बोला था और आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 विकेट गई, यहाँ पे 2 विकेट गई। तो ये चीजें आप स्मॉल लीग में इसको आप है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते हो, रिस्की हो जाता है, लेकिन ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन जब आप क्रिएट करते हो तो वहां पर ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती है मेरे भाई, तो थोड़ा सा समझ लिया करो, समझे। यहाँ पे कोलंबो की प्लेइंग के लिए देखिए, सबसे पहला नाम आता है निरोशन डिक्वेला का,
चार लास्ट मैच में था 58, उससे सेकंड लास्ट में था 70 है 6, ठीक ठाक प्लेयर है, लेफ्ट हैंड बैट है, आपको विकेट कीपिंग भी देते हैं। बाबर आजम का लास्ट मैच काफी बढ़िया था, 107 है, 54 है, बढ़िया प्लेयर है। पथुम निशंका के दोनों मैच उतने बढ़िया नहीं गए, बाकी रिसेंट फॉर्म ओडियाईज में काफी बढ़िया थे। नवेंदु फर्नांडा का देखोगे तो स्टार्ट दोनों मैच में मिले लेकिन बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए, ये राइट हैंड बैट्समैन है। उसके बाद मोहम्मद नवाज का देखोगे लास्ट मैच 10+1, 3+0, 11+0, तो रिसेंट फॉर्म उतनी बढ़िया नवाज की दिखी नहीं। धनंजय लक्षण का देखोगे तो उतना कुछ खास नहीं दिखा। समीका करुणारत्ने ये मैच ठीक ठाक था, लास्ट मैच उतना बढ़िया नहीं गया, बाकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी दिखेगी। रमेश मेंडिस का कुछ खास नहीं रहा, वनडेस राय लास्ट मैच में 2 विकेट निकाली, बाकी रिसेंट फॉर्म उतना बढ़िया है नहीं। नसीम शाह ने दोनों तीनों मैचेस में जो भी खेले अच्छा किया, रिसेंट फॉर्म भी नसीम शाह का अच्छा खासा है। पथिराना का देखोगे तो पथिराना की रिसेंट फॉर्म काफी बढ़िया है। नसीम शाह और पथिराना है जो कि डेथ में गेंदबाजी करते हैं, ओवर्स किसके कट सकते हैं, रमेश मेंडिस के ओवर्स कट सकते हैं, उसके अलावा धनंजय लक्षण के भी है जो कि ओवर्स कटने के चांसेस रहेंगे। अब प्लेयर जो बेंच पे है, लक्षण शनाडकन है, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करते हैं, उसके अलावा आप देखोगे विक्रम सिंघल है, ये राइट हैंड बैट्समैन है, एंजेलो परेरा है, ये भी ठीक ठाक प्लेयर है, अगर खेले तो ध्यान रखना एंजेलो परेरा का। फुल स्टैट्स की बात करते हैं, डिक वेला 2 मैच 31 का एवरेज, हेड टू हेड वेन्यू पे 20 का है, ओवरऑल 21 का है, तो एवरेजेस तो ठीक ठाक है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में थोड़ी सी इनकी जगह नहीं बन रही है क्योंकि इनसे बेटर प्लेयर मुझे लग रहे हैं। बाकी यहाँ पे बाबर आजम हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल देखोगे 2 मैच में 33 का एवरेज है, तो बाबर आजम को आप कैप्टनसी भी दे सकते हो। प्रथम निशंका 3 मैच 26 का एवरेज, 4 मैच में 24 का वेन्यू पे, ओवरऑल 19 का, बढ़िया डिफरेंशियल पिक है जो कि पथुम निशंका बन सकता है, ध्यान में रखना पथुम निशंका अच्छा कर सकता है। नवेंदु फर्नांडो 2 मैच 34 का एवरेज, हेड टू हेड वेन्यू पे 42 का एवरेज है, ओवरऑल 26 का। पथुम निशंका और यहाँ पे नवेंदु में से एक प्लेयर को आप जरूर लेना, या तो आप पथुम निशंका को रख लेना या फर्नांडो को रख लेना। नवाज देखोगे हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 2 मैच में 7 का एवरेज, 1 विकेट, सामने वाले टीम में राइट हैंड बैट्समैन थोड़े से ज्यादा है, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बढ़िया पिक बन सकती है। धनंजय लक्षण 4 मैच 13 का एवरेज, 5 विकेट है, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 16 में 19 विकेट है, थोड़ी बहुत बैटिंग ये कर लेते हैं, गेंदबाजी ये अच्छी खासी कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन आपके पास धनंजय लक्षण बनता है यहाँ पे, समझे इस चीज को। बाकी चमिका करुणारत्ने आपको लेना ही है, 2 मैच 2 विकेट, हेड टू हेड वेन्यू पे 3 में 2 है, ओवरऑल 20 में 12 विकेट है और 35 का एवरेज भी है। रमेश मेंडिस में आपको ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, 1 मैच में 4 वेन्यू पे, ओवरऑल 20 में 13 विकेट है। यहाँ पे वेंडस राय 5 मैच 8 का एवरेज, 6 विकेट है, वेन्यू पे 2 मैच में 4 विकेट है, ओवरऑल 12 में 18 विकेट है। वेंडस राय एक ऑप्शन है, वो लैग स्पिन करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि एक आधा ओवर्स इनके कटे, तो वो चीज है कि आप पथुम निशंका या फिर किसी को ले रहे हो तो शायद जगह ना बने, जगह बन रही है तो फिर आपको उनमें से किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा, तब आप लेके जा सकते हो। नसीम शाह हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 2 में 3, अच्छी पेस है, तो नसीम शाह को भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। पथिराना को आपको लेना हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 4 में 4 है, तो ये चीज ध्यान में रखना। पेन से इनमें से कोई भी आता है, सबके स्टैट्स आपके सामने है, आप देख सकते हैं। मुझे थोड़ा सा एंजेलो परेरा है, ये थोड़ा सा ज्यादा बैटर लगते हैं, लक्षण शनाडकन भी एक बढ़िया ऑप्शन है। कुशल मेंडिस का रिसेंट फॉर्म देखोगे भाई उतना बढ़िया नहीं जा रहा। अविष्का फर्नांडो ने लास्ट के 2 मैच में ठीक ठाक किया, कुशल परेरा का देखोगे तो आपको लास्ट मैच को छोड़ दो तो ओवरऑल बढ़िया है कुशल परेरा। धनंजय डिसिल्वा का देखोगे तो लगभग अच्छा किया है। एलेक्स रोज 2 मैच में देखोगे तो 21 है, 39 है, 1 मैच में बैटिंग नहीं आई। समर विक्रमा का देखोगे तो समर विक्रमा का उतना कुछ खास नहीं रहा। हेडन केयर का एवरेज बोल सकते हो, एक आधा विकेट हर मैच में मिल रहा है। रविंदु फर्नांडा का देखोगे तो दोनों ही मैच एकदम बकवास रहे। नूर अहमद का उतना कुछ खास यहाँ पे ये जो LPL है वो नहीं जा रहा। शहनवाज दानी लास्ट मैच को निकाल दो तो अच्छी गेंदबाजी हुई है। बिंद्रा फर्नांडो के भी लास्ट मैच को निकाल दो तो ठीक ठाक गेंदबाजी हुई है। दहानी और फर्नांडो और हेडन केयर ये डेथ में गेंदबाजी करते हैं, बस ये चीज का आप ध्यान में रखिएगा। बाकी बेंच से मधुशन है, मधुशन भी बढ़िया गेंदबाज है। दुशन हेमंता अगर ये आते हैं तो ये मैं आपको बार बार बोलूंगा इसको फोकस करना, बिकॉज ये अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं।
कुशल मेंडी 7 मैच 31 का एवरेज हेड टू हेड, वेन्यू पे 4 में 29 का एवरेज है, ओवरऑल देखोगे तो 35 का। ये प्लेयर बढ़िया है लेकिन कुशल मेंडिस की रिसेंट फॉर्म है ना वो उतनी बढ़िया नहीं रही है। एक चीज बोलूंगा, आप एक आधा ग्रैंड लीग में इसको कैप्टनसी जरूर दे देना, किसको, कुशल मेंडिस को। अब इसका फर्नांडो 5 मैच 30 का एवरेज है, वेन्यू पे देखोगे 5 मैच में 36 का, ओवरऑल देखोगे तो 33 में 44 का। बढ़िया प्लेयर है लेकिन अगर आपको चांस लेना है तो आप अविष्का फर्नांडो ड्रॉप करके जा सकते हो, समझ गए चीज को। अगर आपको चांस लेना है तो आप अविष्का फर्नांडो ड्रॉप कर सकते हो। कुशल परेरा 2 मैच 45 का एवरेज हेड टू हेड, वेन्यू पे 1 में 4, ओवरऑल 26 का। कुशल परेरा को मैं लेके जाऊंगा, डिसिल्वा को मैं लूंगा 1 मैच 2 रन 0 विकेट, वेन्यू पे 4 में 30 का एवरेज 2 विकेट, ओवरऑल 23 में 27 का एवरेज 10 विकेट है। बेस्ट कैप्टन एलेक्स रोज हेड टू हेड नहीं, वेन्यू पे 1 मैच में 21, ओवरऑल 3 में 30। मैं आपको ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, ड्रॉप कर सकते हो। समर विक्रमा 3 मैच 28 का एवरेज है, वेन्यू पे 5 में 29 का, ओवरऑल 14 में 36 का। एवरेजेस ठीक है लेकिन जो बैटिंग पोजीशन है वो थोड़ी सी डाउटफुल है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ये रिस्की लगते हैं। हेडन कैर को मैं लेके ही जाऊंगा, स्पेशली अगर डेम्बुला पहले बैटिंग कर रही है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। हेड टू हेड नहीं, वेन्यू पे 1 मैच में 1 विकेट है, ओवरऑल 3 मैच में 2 विकेट है, 16 का एवरेज है। रविंदु को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, 2 मैच में 19 का एवरेज 0 विकेट, ओवरऑल 6 मैच में 10 का एवरेज 0 विकेट। यहां पे मैं नूर अहमद को लेके जाऊंगा, हेड टू हेड 4 में 2, वेन्यू पे 3 में 0, ओवरऑल 17 में 12। तो नूर अहमद गेंदबाज बढ़िया है लेकिन एलपीएल उतना कुछ खास इनके लिए अभी तक रहा नहीं है। दहाने हेड टू हेड नहीं, वेन्यू पे 1 में 0, ओवरऑल 3 में 3। अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो इन दोनों में से एक को जरूर लेना, 4 में 1 हेड टू हेड, वेन्यू पे 2 में 4, ओवरऑल 16 में 22। अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो फर्नांडो, दहानी, नूर अहमद, हेडन केयर, 4 में से आपको 3 लेने हैं। 3 में मुझे हेडन केयर, दहानी और नूर अहमद फिर ज्यादा बेटर ऑप्शन लगते हैं, समझ गए इस चीज को। बैंस से मधुशन आते हैं तो देख लेना, 7 मैच में 6 विकेट है, वेन्यू पे 3 में 3 है, समझ गए इस चीज को। बाकी प्लेयर्स बैटल पे चलते हैं, प्लेयर्स बैटल में डिकवेला को फर्नांडो ने एक बार, नूर ने एक बार, बाबर आजम, हसन अली ने 3 बार, मधुशन ने 1 बार, उसके अलावा नुआन का कोई मैचअप नहीं, मोहम्मद नवाज को हसन अली ने 2 बार आउट किया, बाकी खास मैचअप्स आपको दिखेंगे नहीं। उसके अलावा अब इसका फर्नांडो, लक्षण ने 1 बार, कुशल मैंडी, शनाडकर ने 1 बार, नसीम शाह ने 1 बार, धरंजया को लक्षण ने 1 बार आउट किया, कुशल परेरा, शनाडकर ने 1 बार, रमेश मेंडिस ने 1 बार, बाकी कोई ज्यादा मैचअप्स आपको बड़े नहीं दिखेंगे, बस जो है वो आपके सामने रख दिया। अब टीम पे चलते हैं, टीम मैंने कैसी बनाई, देखिए मैंने कुशल मेंडिस को रखा, बाबर आजम को मैंने फिर विशी किया, निशंका को रखा, कुशल परेरा को रखा, डिसिल्वा को मैंने कैप्टन रखा, मोहम्मद नवाज रखा, करुणा रत्न रखा, हेडन कैर को मैंने यहां पर रखा, उसके अलावा नसीम शाह, नूर अहमद और मथिराना। बस एक चीज का ध्यान में रखना, अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग कर रही है जो दहानी है तो आप क्या कर सकते हो, आप इनमें से किसी एक को ड्रॉप करके दहानी को रख सकते हो, समझ गए इस चीज को, क्योंकि फर्स्ट बॉलिंग में वो डेथ में आते हैं तो दहानी इसकी जगह ऐड कर सकते हो, समझ गए इस चीज। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।